हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पठान 2 मूवी से निकल कर आया है कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इस मूवी के डायरेक्टर कौन होने वाले हैं और इस मूवी को कौन डायरेक्ट करने वाले, क्या पहले वाले डायरेक्टर ही वापस आएंगे और भी बहुत सारे अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान तो आपने देखी होगी और आपको ये भी पता होगा कि पठान 2 मूवी अब बनने जा रही है, पर जिस पठान में पहले हमें बहुत ही बेहतरीन एक्शन और कमाल का डायरेक्शन देखने को मिला था, उसके डायरेक्टर को चेंज कर दिया गया है। आदित्य चोपड़ा का कहना है कि वह स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों को एक जैसा नहीं बनाना चाहते, इसलिए हर फिल्म के अंदर अलग अलग डायरेक्टरों को मौका देना चाहते हैं। आपने सलमान खान की फिल्म के साथ भी देखा होगा कि उनकी जितनी भी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म आई है उन सभी के डायरेक्टर अलग अलग होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर पठान 2 मूवी में क्या होने वाला है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और मुझे मोटिवेशन मिलता रहा इस तरह की वीडियो बनाने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पठान 2 मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान, जिसने शाहरुख खान का कमबैक हुआ था, उसको सिद्धार्थ अन्न ने डायरेक्ट किया था। और सिद्धार्थ अन्न तो बहुत ही कमाल का फिल्म मेकर है, जहां पर उन्होंने स्पाई के अंदर वार मूवी बनाई है। पर अब पठान 2 मूवी के लिए सिद्धार्थ अन्न नहीं बल्कि किसी और डायरेक्टर को लिया जाएगा। आदित्य चोपड़ा का कहना है वह अपनी किसी भी फिल्म के अंदर एक्शन और स्टोरी को रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए वह अपनी इस फिल्म के अंदर अलग अलग डायरेक्टर को मौका देना चाहते हैं और जितनी भी आगे मूवी आएगी उन सब में अलग अलग डायरेक्टर देखने को मिलेगा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायरेक्टर को स्पाई यूनिवर्स के अंदर चेंज कर दिया गया, बल्कि सलमान खान की जितनी भी फिल्में आई है उन सभी को अलग अलग डायरेक्टर ने स्पाई यूनिवर्स के अंदर बनाया था। इतना नहीं बल्कि वॉर मूवी को सिद्धार्थ अन्न ने डायरेक्ट किया था, तो अब वो 2 को आयान मुखर्जी बना रहे हैं और अब ऐसा ही पठान 2 मूवी के साथ भी होने वाला है। जहां पर मूवी के सिद्धार्थ अन्न ने बनाया था तो पठान 2 मूवी को किसी और डायरेक्टर को सौंपा जाएगा। अभी तक यही नहीं बताया गया कि पठान 2 मूवी को कौन डायरेक्ट करने वाला है, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर सिद्धार्थ अनंत पठान 2 मूवी नहीं बनाएंगे तो उसके बाद वह किसी फिल्म में हमें नजर नहीं आने वाले, बल्कि सिद्धार्थ अनंत हमेशा से स्पाई यूनिवर्स के साथ जुड़े रहेंगे। और टाइगर वर्सेस पठान मूवी को सिद्धार्थ अनंत ही डायरेक्ट करने वाले और टाइगर वर्सेस पठान मूवी हमें सिद्धार्थ अनंत के डायरेक्शन में देखने को मिलने वाले। पठान को 2 को वह इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि आदित्य चोपड़ा का कहना है कि उन्होंने पठान मूवी बनाई थी और वैसे ही पठान 2 मूवी बनाएंगे। आदित्य चोपड़ा पठान 2 को अलग बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है पठान 2 मूवी के लिए कौन से डायरेक्टर को लेना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। मेरे हिसाब से ना साउथ के डायरेक्टर को लेना चाहिए क्योंकि साउथ की मूवी आपने देखी होगी एक्शन के मामले में कितनी सुपर डिपर हिट होती है और उनका एक्शन एकदम बेहतरीन होता है। हाल ही फिलहाल में आपने वो जवान मूवी देखी होगी जिसे एटली कुमार ने डायरेक्ट किया था, उसका एक्शन और उसकी सिनेमेटोग्राफी आपको कैसी लगी वो तो मैं बताने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ में अगर लोकेश कनकराज को लेते हैं जिनकी खुद की एक अपनी स्पाइस यूनिवर्स है, अगर वो दोनों यूनिवर्स को उनके यूनिवर्स और बॉलीवुड की स्पाई यूनिवर्स दोनों को अगर आगे जाकर इन फ्यूचर मर्ज कराए, जो कि मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, फिर मैं बात कर सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो सोचो ये कितना ही फैन के लिए कितनी ज़्यादा ट्रीट से कम नहीं होगी और ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने का। और मे भी क्या पता अगर डायरेक्टर अप्रोच करते हैं तो ये पॉसिबल भी हो सकता है, जिसे देखने के लिए सब एक्साइटेड होंगे। वैसे पठान 2 मूवी बहुत ही बड़े लेवल पर बनने वाली है और इसमें एक्शन और भी ज़्यादा कमाल के होने वाले, जिसके लिए डायरेक्टर पता नहीं बॉलीवुड वाले कौन से डायरेक्टर को अप्रोच करते हैं स्पाई एसराज स्टूडियो, वो तो देखने की बात होगी। पर जिसने भी स्पाई यूनिवर्स मूवी आ रही है उसमें एक्शन के मामले में तो सुपर हिट होने और ये एक्शन बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे जैसे भी कुछ अपडेट मिलेगा मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप भी कोई अपडेट मिस न कर सके। जब तक ले मुझे दे दे इजाज़त, बाय बाय।